निर्भया कांड को 7.5 साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके निर्भया को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। 3 मार्च 2020 को निर्भया के गुनहगारों को सजाए मौत मुकर्रर हुई थी, लेकिन वो भी अब टलती हुई दिखाई दे रही है। दोषियों की सजा एक बार फिर टलने पर एक पुलिस ऑफिसर की आंखें भर आई। यह पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन DCP छाया शर्मा है, जिन्होंने निर्भया को न्याय दिलाने का वायदा किया था। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, हो सकता है इसे सुनकर आप भी रो पड़े। दरअसल निर्भया कांड के बाद तत्कालीन DCP छाया शर्मा निर्भया से मिली थी। उस वक्त निर्भया दर्द से छटपटा रही थी, उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जख्मी निर्भया ने नाजुक हालत में भी ऐसी छोटी छोटी बातें पुलिस को बताई जो जांच में अहम साबित हुई। बातचीत के दौरान निर्भया ने DCP छाया से कहा था, मैडम मेरा ये हाल करने वाले दरिंदों को बख्शना मत, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। दर्द से तड़पती निर्भया के मुंह से ये शब्द सुनकर DCP की आंखें भर आई। ऑफिसर ने निर्भया को न्याय दिलाने का वादा किया था। निर्भया के इन्हीं शब्दों ने पुलिस के लिए जुनून का काम किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि महज 72 घंटों के भीतर ही कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए। लेकिन अफसोस कि निर्भया की मौत के 7.5 साल बाद भी निर्भया को न्याय नहीं मिला है। अब आप ही बताइए, फिर कोई क्यों ना कहे कि निर्भया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। टीम खबर अपडेट।